बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये महीना कैसा रहेगा लियो के लिए। और आपको जैसे कि आपको पता है जो मई का महीना वो 21 अप्रैल से शुरू होगा और 21 मई तक चलेगा। लियो पिछले दो महीने आप लोगों को काफ़ी डराया धमकाया और आपको केयरफुल रखा, एडवाइस किया, और आई होप कि आपने बड़े अच्छे तरीके से वक्त गुजारने में कामयाब होंगे। फीडबैक अभी मैंने पढ़ा नहीं, काफ़ी आपके कमेंट्स आए हुए हैं सबके, और काफ़ी पिछले महीने का प्रोग्राम भी हमारा काफ़ी बेहतर, तकरीबन 2 लाख व्यूज़ आए हैं उसके टोटल सारे मिला के। तो लोगों ने बड़ा खुशू से सुना, बट थोड़े से कमेंट्स ये थे कि आप डरा रहे हैं। डराने की बात नहीं होती, मैं थोड़ा सा गाइड करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे मैं आपने आपको मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था, काफ़ी मेरे पे प्रॉब्लम आए, बट अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की और मैं आई एबल टू सॉल्व दी इश्यूज़। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आपको आने वाले वक्त में थोड़े सा एक गाइडलाइन मिल जाती है। तो ये मिन जानम अल्लाह ही होता है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। कोई लोग इसको अमल करते हैं, कोई जिस पर अल्लाह ताला ने रहम करना था वो इस पर फिर उस प्रोग्राम को इस पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो स्टार्ट आपका लियो आपका 10वें घर से हो रहा है और ये आपका बहुत ये इम्पॉर्टेंट महीना है। इसमें आपको यू विल एबल टू गेट गुड थिंग्स। 10वां घर आपको पता है स्टेटस, रुतबा, मर्तबा, सीयत। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका 10वें का मीडिएटर 9वें घर में नेगेटिव है, वीनस, वो 30 अप्रैल तक है। लिहाजा 30 अप्रैल तक आपकी पोजीशन ऐसा ऐसा स्लोली इम्प्रूव होगी, कोई अच्छा इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद एज एंड व्हेन वीनस मूव इन योर 10th हाउस, 10वें का लॉर्ड 10वें घर में, फिर तो आपको यू विल एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो पहले देखते हैं कि 10वें का लॉर्ड 9th हाउस में अगर नेगेटिव होगा तो आप कारोबार में शिद्दत आएगी, कारोबार फैलाने की कोशिश करेंगे कोई, लेकिन उसमें रुकावटें आएंगी, कोई शराकत दारी आपकी थोड़ी सी रिजेक्ट होगी, फिर उसके बाद कोई ना कोई गैबी मदद मिलेगी 30 के बाद, उसमें बाद आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और अपना कारोबार शुरू में ऐसा लगेगा जैसे आपका कारोबार डूब रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कारोबार पे आपकी ग्रिप आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबज़ होते जाएंगे। आप अपनी औलाद और सोशल वर्क को खिदमत समझ के, फ़र्ज समझ के आप काम करेंगे और माशी इमदाद करेंगे लोगों की, अपना सब कुछ दूसरों पे निशावर करते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही आपका 10वें घर में वीनस आ जाएगा तो क्या होगा, और 16/5 को यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम वीनस और उसको देखते हैं, पहले सन जुपिटर देखेंगे फिर, और जब सन जुपिटर जो वहाँ पे पॉजिटिव होगा उसका साथ वो भी आ जाएगा, तो सन जुपिटर आपको आप क्या हो जाएंगे, आपकी एग्जैक्टिव एबिलिटी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिंसियर होंगे। आपकी इस एटीट्यूड से, आपकी एबिलिटी से, आपके डेडिकेशन से, आपकी ड्यूटीफुल नेचर की वजह से यू विल एबल टू गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर हायर अप्स। मे बी यू विल गेट गुड पोस्टिंग, मे बी यू विल बी एलिवेटेड, यू मे बी यू विल बी प्रमोटेड। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का एकदम आपको रिटर्न मिले, प्रॉफिट की शक्ल में, ट्रेड की शक्ल में कोई ना आपके पैसे निकल आए। और मेंटल इक्विलिब्रियम आपका बहुत पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत बड़ी होगी, डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी तरीके से आप पॉजिटिव डिप्लोमेसी होगी आपकी, और आपके ऑनर और रेपुटेशन में इजाफा होगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। और जब वीनस साथ आके मिलेगा तो पॉपुलरिटी थ्रू चार्म एंड जेनरसिटी, टेस्ट ऑफ लग्जोरियस लाइफ, कंफर्टेबल लिविंग, कंफर्टेबल पोस्टिंग, कंफर्टेबल कारोबार, कंफर्टेबल आपका रख रखाव, डोमेस्टिक इश्यूज, ग्रेसफुल होंगे बड़े, एबल टू हैंडल द पीपल, एनर्जेटिक होंगे, इंटेलिजेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड काम आपके सारे होंगे। और फिर जैसे ही वहाँ पे आपका वो आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, वहाँ पे मरकरी,
तो आपके सक्सेसेस, अगर जो कोई ख़ास तौर पर जर्नलिज्म में है तो उसको तो प्रमोशन मिलती भी नज़र आती है, ऑथरशिप में भी प्रमोशन नज़र आए, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे, क्रेविंग फॉर ट्रैवल होगा, शौक़ होगा आपको ट्रैवलिंग का, और ख़ुद पसंदी, शेखी, मगरूरी भी आपके अंदर आ जाएगी, इंक्विजिटिव हो जाएंगे, डिसाइडफुल होंगे, खुशगो, खुशगुफ्तार, शीरी जुबा, ये आपके अंदर एक मीठापन होगा। जुपिटर वैसे भी मीठे का लॉर्ड, स्वीट थिंग्स का, तो आप खुद भी बड़े मीठे हो जाएंगे। इसके अलावा जब मरकरी और जुपिटर इकट्ठे होंगे तो फसी ज़बान, शीरी कलाम, मीठा बोलना, खुशगवार, खुशगफ्तार, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ओरल एंड राइटिंग का, एलोकेंट, इंटरेस्टिंग, एस्थेटिक इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और आपका हर काम तेज़ करेंगे, और हर काम को आप जल्दी ख़त्म करेंगे और कंप्लीट करेंगे, डेप्थ में जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से मामलात को निपटाते हुए नज़र आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अब दसवां घर आप देखते हैं कि वहाँ पे दसवें घर में जब वीनस आता है तो अच्छी पोजीशन, मेहनत करता है बंदा, तरक्की करता है और स्टार बनने की कोशिश करता है, रुतमा सेहत में कमी नहीं आती। और फिर आपका मरकरी अगर दसवें घर में है तो फिर कह लें कि वालदेन के साथ भी तरकार, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो काम कमर्शियल प्रॉपर्टी का या कमर्शियल एरिया में काम करते हैं उनको तो कमाल का प्रॉफिट होगा, ख़ास तौर पे वालद साहब की तरफ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और आप उस दिन मे भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदने में कामयाब हो जाए, मे भी आप कहते हैं कि सरमायाकारी करें और सारे पैसे आप खुद कंट्रोल करेंगे और उसमें कामयाबी हो जाएगी, कारोबार में कामयाबी और अपने रुतबा मरतबा बढ़ा लेंगे और माशरे में एक मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मरकरी आपका, अब देख लें, मैंने हर एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप देख लें, जब दसवें घर में पांच सितारे होंगे, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सन, मून, तो क्या होगा आपका, उस घर का स्टेटस 10 गुना बढ़ जाएगा। जुपिटर आपको ऑनर देगा, जुपिटर आपको क्या करेगा, आपके जहानत को बढ़ा देगा, आपकी एजुकेशन में अच्छा, आपका आप लोगों की नगाहों में आपका एहतराम, कद काठ में इजाफा, आला मियारे ज़िंदगी के चांसेस मिल जाएंगे, कोई अवार्ड रिवार्ड, कोई तरक्की, कोई प्रमोशन मिल जाएगी और एक्यूरेट आप अपने मामलात को करेंगे, माशरती रूज मिलेगा आपको, और ख़ास तौर पे इंसाफ, जस्टिस, ह्यूमैनिटी और ये जज साहबान, जुडिशरी, इनका तो कमाल का पॉजिटिव एटीट्यूड होके इनको प्रमोशन के चांसेस बहुत बनेंगे, बहुत ज़्यादा। और वो लोग जो होटल का बिज़नेस करते हैं, वो लोग जो शादी ब्याहों के कपड़े, जेवरात और कीमती मलबूसात, और इसके अलावा कॉलेज स्कूल का बिज़नेस, कमर्शियल प्रॉपर्टी, सब्जियों का, फूड का कारोबार, इन लोगों की तो चांदी होगी, इनको प्रॉफिट, ईद के दिनों का जब प्रॉफिट आएगा ना, वो जब इकट्ठा होगा तो ये एक ढेर लगा होगा, इनके कद काट में इजाफा हो जाएगा और बड़ी अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिलती हुई नज़र आती है। तो क्या होगा, स्टेटस में इजाफा, वेल्थ में इजाफा, ऑक्यूपेशन में इजाफा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया गया, आपके वालद साहब को आपको कुछ ना कुछ देने में कामयाब, वालद साहब सपोर्ट करेंगे, कोई अपना बिजनेस दे देंगे आपको, अपने उसमें आपको करेंगे, आपकी आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा और आपके पॉलिटिकल पावर में इजाफा और डिग्निटी और कमांड में इजाफा। अब मैं इतनी बातें आपको बता दें कि आप लियो सोच भी नहीं सकते कि ये महीना आपको क्या कुछ नहीं देगा। आपका घर का सुकून होगा, आपके कह लेंगे आपके बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, आपके जो वो लोग जो घुटनों के दर्द का शिकार है वो भी बेहतर हो जाएंगे, और मार्केटिंग के लोग, वर्बल एक्सप्रेशन के लोग, इनके बड़े नोट छापते करंसी उनके में, और प्रिंटिंग प्रेस, अखबार, रेडीमेड गारमेंट्स, स्कूल कॉलेजेस का कारोबार, सब्जियां, फ्रूट, ज़मीन से निकलती हुई सब्जियां, फल फ्रूट, जहां से बोल के पैसा कमाते हैं उनमें
उनमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो लियो खुश रहें, आज मैंने आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दी हैं, बड़ा बेहतर खबरें दी हैं। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।